आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज एन आयन Z3+ कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन। एलिमेंट Z हैज वैलेंसी इक्वल टू वैलेंसी ऑफ अनदर एलिमेंट X, व्हिच हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन आर्गन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स Z एंड X। हमें यहाँ पर टू एलिमेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमें आइडेंटिफाई करना है इन एलिमेंट्स को Z एंड X को। यहाँ पर गिवन है कि जो Z एलिमेंट वो क्या आयन फॉर्म कर रहा है, Z3+ आयन फॉर्म कर रहा है एंड इस आयन के पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 14। अब जो आयन है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है 10। अब जो Z एटम होगा वो जब 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, जब ये एलिमेंट Z 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तभी Z3+ आयन फॉर्म करेगा। इसका मतलब जो एटम होगा उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। Z के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करा तब Z3+ आयन फॉर्म किया, तो Z के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। आयन के पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो जो एटम Z है उसके पास है इलेक्ट्रॉन्स 13 एंड न्यूट्रॉन है 14। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल होता है टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर एंड इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। तो इलेक्ट्रॉन नंबर हमें पता है दैट इज 13। एटॉमिक नंबर 13 होता है फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है 13। तो हमारा जो Z है, Z एलिमेंट दैट इज एल्यूमिनियम बिकॉज एटॉमिक नंबर 13 आ गया है। नेक्स्ट में गिवन है कि एक और एलिमेंट है X जिसकी वैलेंसी इक्वल है टू दी वैलेंसी ऑफ Z। दोनों की वैलेंसी सेम है। वैलेंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड टू अटेन ऑक्टेट, जो कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। ऑक्टेट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल। एंड यह गिवन है कि जो ये X एलिमेंट है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स कम है आर्गन से। आर्गन एक नोबल गैस एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 18। न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी आर्गन की KLM शेल में देख लेंगे, आएगी 2 8 8। वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब जो एलिमेंट X है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो 18 - 5 हो गया 13। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 2 8 3, वैलेंसी 3 है। आर्गन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 कम थे X में एंड न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल होता है टू एटॉमिक नंबर, देयरफॉर X का भी एटॉमिक नंबर आ गया है 13। एंड एटॉमिक नंबर 13 ही है X का भी, तो ये भी क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम का ही एटॉमिक नंबर होता है 13, देयरफॉर X इज ऑल्सो एल्यूमिनियम। हमें यहां पर पूछा गया था कि एलिमेंट Z एंड X क्या है, तो बोथ Z एंड X आर एल्यूमिनियम एलिमेंट। हमारा आंसर है बोथ Z एंड X आर एल्यूमिनियम। बोथ Z एंड X आर, बोथ आर एल्यूमिनियम। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।